हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स में। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स थर्ड पेपर यूनिट फोर्थ चैप्टर 8। ठीक है, यूनिट फोर्थ पर अपन आ गए हैं सिलेबस, और अपन का यूनिट थर्ड सेकेंड फर्स्ट सब कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग बीएससी सेकेंड ईयर के और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए। क्रम से क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं यूनिट बाई यूनिट। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, और वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स जरूर करिएगा। ठीक है, तो चैप्टर 8 में अपना प्रथम कोटि के आंशिक अवकल समीकरण है। यहाँ पे हम आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बताएंगे, जो कि अपन को चैप्टर 8 में इम्पोर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन है इन इम्पोर्टेंट फॉर्मूला के बेस्ड क्वेश्चन अपन को सॉल्व करने हैं। ठीक है, हमने सोचा जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करवा दें। यूनिट 5 अपन की यूनिट फोर्थ पर आ चुके हैं, फिर अपन सेकेंड पेपर की यूनिट थर्ड करवाएंगे, जब अपन का थर्ड पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कुछ फॉर्मूला बता रहे हैं जो आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रथम कोटि के आंशिक अवकल समीकरण, अवकल समीकरण में अचर का विलोपन और फलनों का विलोपन होता है। तो अवकल समीकरण में एक को अचरों का विलोपन होता है और फलनों का भी विलोपन होता है। ठीक है, दो प्रकार से विलोपन होता है, अचरों का और फलनों का विलोपन। यहाँ पे अब अपन फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, अचर मीन मतलब ए बी सी। ठीक है, एक्स वाई जेड हो गए अपने चर हो गए। अब चलते अपन यहाँ पे नोट यानी कि फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला अपन के दो प्रकार के होंगे, प्रथम कोटि के और द्वितीय कोटि के आंशिक अवकल समीकरण। P इज इक्वल टू और Q इज इक्वल टू, ये होंगे अपने प्रथम कोटि के आंशिक अवकल समीकरण। प्रथम कोटि में होगा अपना डी एफ अपॉन डी एक्स, और Q में होगा डी एफ अपॉन डी वाई। ठीक है, ये हो गए अपन के दोनों प्रथम कोटि के आंशिक अवकल समीकरण। अब चलते हैं द्वितीय कोटि के आंशिक अवकल समीकरण क्या कहलाते हैं ये देखते हैं। द्वितीय कोटि में हो गए अपने R, S और T। ठीक है, ये होंगे अपन के द्वितीय कोटि के आंशिक अवकल समीकरण। तो R इज इक्वल टू होगा अपना डी एफ अपॉन, ठीक है, तो R इज इक्वल टू होगा अपना डी एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो R इज इक्वल एस इज इक्वल टू लिख सकते हैं अपन डी एफ इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, डी एफ अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई, ये होगा अपना एस का। अपन को R और जो T है, तो R में अपन को x के सापेक्ष करना है, और T में अपन को क्या करना है, डी बाई स्क्वायर ले लेना है। मतलब प्रथम अवकल में अपन को क्या, केवल डी एक्स और डी बाई ले लेना है, और द्वितीय में अपन को दो बार, यानी कि एक बार एक्स स्क्वायर में और एक बार बाई स्क्वायर, और एक में दोनों के लिए डी एक्स और डी बाई। ये हो गए अपन के द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके आधार पे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। इसमें केवल हम यहाँ पे आप लोग के लिए फॉर्मूला बता रहे हैं, तो आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, नोट्स बनाते जाइएगा साथ में। ठीक है, द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण बिना फॉर्मूला के मैथ सॉल्व नहीं की जा सकती, तो आप लोग प्लीज फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।